तो गाइस अभी तक हम लोग कितना 2 घंटे से करीब घूम चुके हैं। यहाँ पर अपने पास ये चावल है, ये धान है, इतना सारा हो गया है और वहाँ पर कुछ कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के हमारे राठौर ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। गाइस आज आपको जानकर हैरानी होगी, अपने गांव में एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पता है बच्चे बूढ़े छोटे बड़े मतलब कोई भी हो, हर कोई यहाँ पर भीख मांगता है। गाइस तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी अपने यहाँ कौन कौन आए हैं छेरा मांगने। और गाइस इस त्यौहार को अपन लोग प्यार से बोलते हैं छेरा का त्यौहार। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर छेरा मांगने आए हुए हैं, जो कि अपना अपना झोला झंडा जो भी है मतलब थैला वगैरह पकड़ के आए हुए हैं। कितना कितना कमा लिए रे बाबा, दिखा। हाँ तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इन लोग का कितना सारा इन लोग का है। बस 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 बस। और गाइस अभी पता है इन लोग ना सुबह से शाम तक छेरा मांगेंगे दिन भर। कितना पैसा मिल जाता है रे? हाँ 200। और गाइस हमारे घर का सीन ही कुछ अलग है, यहाँ पर देखो तो पता है बहुत सारे मतलब कुछ कुछ काम कर रहे हैं पप्पा लोग, हम भी करेंगे। गाइस अब थोड़ी देर बाद हम भी जाएंगे छेरा मांगने, अभी तो फिलहाल अपन घर का थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम करेंगे उसके बाद जाएंगे। फिलहाल अभी घर का जितना भी कुछ कुछ काम है वो सारा हम निपटा लेंगे। और गाइस यहाँ पर अपने आंगन में भी आ चुके हैं, यहाँ पर बच्चे लोग गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे लोग। अभी हम इन लोग को धान वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे देंगे। गाइस अभी हम पहले यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं। गाइस नाश्ता के रूप में हम लोग खाना खाते हैं घर में, का ही बोले। तो गाइस देख सकते हैं क्या ही लाजवाब वाला हमारा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। और फाइनली गाइस अभी अपन जाने वाले हैं स्नान करने के लिए, वहाँ पर आपको दिखाएंगे थोड़ी सी नज़ारा और जो भी कुछ दिखाना रहेगा हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे। और यहाँ अपना आंगन देखो तो पूरा पता है पूरा धान यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको सुखाया गया है। अभी छेरा मांगने वाले छोटे छोटे बच्चे लोग हैं अभी तक यहीं पता है यहाँ पड़े हुए हैं। और कितना दूर जाओगे अभी आ? और किधर जाओगे अभी मांगने? इस साइड। और कितना मांग लिए हो अभी तक? और कुछ बेचे हो कि इतना ही है? इतना ही है हाँ। और पूरा बस्ती बचा है अभी? बस इतना ही है हाँ। गाइस क्या सीन है देखो, इतना थोड़ा सा रखा है पूरा बस्ती पे ना, इन लोग धान मांगे हैं जो भी छेरा मांगे हैं और इतना सारा इन लोग के पास धान अभी हुआ है। चलो ठीक जाओ, हम तो अभी जा रहे हैं स्नान करने। और यही वो जगह है गाइस जहाँ पर अपन डेली स्नान करने आते हैं, जब भी आते हैं यहीं पर आते हैं। यहाँ पर क्योंकि भाई साहब लोग अभी स्नान कर रहे हैं, नहीं अपना घर यहीं पास है, मतलब मुश्किल से 200 या 300 किलोमीटर नहीं यार 200 या 300 किलोमीटर नहीं 200-300 मीटर पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर खेती वगैरह तो चल ही रहा है। बाकी सीन आप देख सकते हैं क्या ही तबाही वाला सीन है गाइस अपने गाँव का। फाइनली गाइस यहाँ अपन लोग स्नान कर चुके हैं, अभी अपन जाएंगे घर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद तैयार होकर ना अपन को जाना है छेरा मांगने। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अपन लोग शाम को जाते हैं, ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं जाते क्योंकि गांव को ही रहता है मांगना, बाकी हम दूर नहीं जाते, दूसरे गाँव कई लोग आते हैं, बाहर बाहर से भी लोग आते हैं छेरा मांगने, बाकी अपन लोग नहीं जाएंगे अभी। अभी अपन घर जाके खाना वाना खाएगा और उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर शाम को अपन चलेंगे छेरा मांगने। चलो नाचो नाचो तो और गाइस यहाँ पर अभी कंपटीशन चल रहा है एसुआ नृत्य वालों का और यहाँ पर गौरा नृत्य वालों का। तो गाइस अभी हमको एक गाना चलाना पड़ेगा जिसमें अभी इन लोग कंपटीशन करेंगे, तो अभी हम पहले ना एक गाना यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, एक अपने छत्तीसगढ़ का अच्छा सा गाना है। क्या सेम क्या नेम है? तरिहारी तरिहारी नाना हाँ डीजे वाला ना हाँ चलो तो गाइस यहाँ पर अभी अपन गाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुका है इन लोग का कंपटीशन, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज लोग हैं जो कि डांस कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हैं गौरा नृत्य वाले
जो कि यहाँ पर अभी डांस कर रहे होते हैं। और गाइस ये काम है जो यहाँ पर ब्लॉग बना रहे हैं। गाइस कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताएं कि आपको किनका डांस अच्छा लग रहा है। गांव में सभी लोग अपनी अपनी कला के अनुसार लोगों को प्रस्तुति दिखाते हैं और दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग का कंपटीशन खत्म हो गया, जिसमें ना जो गौरा नृत्य वाले हैं इन लोग अपना हार मान चुके हैं। गाइस हम लोग सुबह से ना मतलब जा सकते थे छछरा मांगने, लेकिन अपने जो फ्रेंड लोग थे यहाँ पर जैसे पीछे हैं इन लोग नहीं थे, इस वजह से ना अपन अभी शाम को आ गए हैं छछरा मांगने। यहाँ पर हर घर अपने को बहुत सारा दिया जाता है गाइस, मतलब इतना सारा था यहाँ पर, ऐसा लाया भी जाता है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरकार हमको ना पैसा दे रहा है और ना क्या कुछ दे रहा है, तो हम कैसा हम लोग मतलब छिछरा कैसा दे बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग कितना 2 घंटे से करीब घूम चुके हैं। यहाँ पर अपने पास ये चावल है, ये धान है, इतना सारा हो गया है और वहाँ पर कुछ कुछ और है, वो उन लोग अभी आएंगे तो उसके बाद फोटो खिंचाएंगे गाइस यहाँ पर, क्योंकि थंबनेल भी बनाना है अपने को। कुछ इस प्रकार हम लोग दिन भर घूमते हैं, कहीं पर चावल मिलता है, कहीं पर धान और कहीं पर दिया जाता है बहुत सारी मिठाइयाँ। हम लोग चावल और धान को बेच देते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि धान और चावल को घरों में खाने के लिए उपयोग करते हैं। गाइस यहाँ पर हमारा कितना पैसा हुआ आज, कितना कितना हुआ पूरा 1165 रुपया गाइस पूरा टोटल मिला के। और इसी तरह आज का हमारा छछरा का त्यौहार कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूले।